है, अभी इसकी उम्र 2.5 साल है। अब डायरेक्ट 115 सोना रूपा, 147 चंद्रिका ओढ़गी है। हाँ, केसरियो बुल है, उनकी 23 हिफर्स और गौ माता मेरे पास है। तो ये जो बिंदुमती बुल था भुवनेश्वरी विद्यापीठ का, बीरेन करके, अभी केसरियो के लाखेण करके, ये भी बहुत है। और ये तोखार 175 से प्रेग्नेंट है, स्वभाव में भी अलग और एकदम शानदार। ये बीना और बाबुल जो हमने अनसुया गौधाम में यहाँ एम्ब्रियो के लिए जिसको लाए थे और स्टेट से रुचा है, तो काफी डायरेक्ट 196 है जो, ये भी तोखार 175 से कंसीव है। नमस्कार, अनसुया गौधाम मानावदर के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत करते हुए, अभी मेरे पास जो अनसुया गौधाम के अंदर जो हिफर्स है, काउस मतलब बड़ी गाय है, उसके बारे में बताऊंगा कि उसके अभी कितने महीने की प्रेगनेंसी है, उसके नीचे बछड़ा है या बछड़ी है, अगर उसकी एक बछड़ी है या दो बछड़ी है, मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी ये मेरे पास 69 नंबर की जो हिफर है, ये जो बाला गौरीनो बुल की, एक साथ मेरे पास पांच हिफर है, जैसे 68 नंबर से 72 नंबर तक। तो ये 69 नंबर की मंगला है, अभी इसकी उम्र 2.5 साल है, फिर भी ये 6 महीना प्रेग्नेंट है, जो मेरे पास राजेश्वरी 276 करके जो नंदी महाराज है उनसे कंसीव है। फिर ये उसकी ही बहन है दूसरी 71 नंबर, इसका नाम मंगला है, इसका नाम कल्याणी है। तो अभी ये सबसे छोटी थी, पर अभी इसका 4 दिन पहले मैंने ब्रीडिंग करवाया है, जो मेरे पास बुल है केसरियो का डायरेक्ट बछड़ा कोहिनूर करके उनसे, मतलब दो। और ये उसकी तीसरी बहन 72 नंबर, इसका नाम भारती है। तो ये गौ माता 72 नंबर ब्रांड की है, और इसमें मैंने तोखार 175 से ब्रीडिंग करवाई थी, ये भी अभी 5.5 महीना कंसीव है। तो ये तीन हो गई, और इसके आगे की मैं बात करूँ तो ये दो हिफर और ये डायरेक्ट LEI 19 नंबर की होड, मतलब डायरेक्ट 115 सोना रूपा, अभी ये मेरे पास तोखार 175 जो नंदी महाराज है उनसे 9 महीना रनिंग चल रहा है इनका प्रेगनेंसी का। अभी 10-12 दिन में या 8-10 दिन में बच्चा देने वाली है। और इसके आगे इसकी एक बछड़ी है मेरे पास 150 नंबर की, वो अभी मेरे पास है, और यहाँ इसका दूसरा ब्यात होगा। फिर ये 42 नंबर और ये 147 चंद्रिका ओढ़गी है, ये भी मेरे पास जो तोखार 175 करके नंदी महाराज है उनसे कंसीव है 5.5 महीना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो इसका एक अगले ब्यात का बछड़ा मेरे पास था, और इस पैटर्न में ये जो गौ माता है और हिफर्स बंधी हुई है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँ। तो मेरे पास अभी इसी गौशाला में तोखार अपना केसरियो बुल है, उनकी 23 हिफर्स और गौ माता मेरे पास है। तो ये सब वही लाइन से, तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में प्रेगनेंसी में बताऊँ। तो ये है तेज, तो ये तो मेरे पास जो 276 करके नंदी महाराज है उनसे प्रेग्नेंट है। ये दूसरी जो मेरे पास गिरिजा है गौ माता, उनकी ही बछड़ी है, ये भी केसरियो ओड से, केसरियो से ही बिलिंग रखती है, तो ये भी 276 से प्रेग्नेंट है। और ये है मेरे पास जो गोदावरी गौ माता है, उनकी ही बछड़ी है, और ये भी मेरे पास जो बिंदुमती बुल था भुवनेश्वरी विद्यापीठ का, बीरेन करके, उनसे ये प्रेग्नेंट है। और इसके आगे की बात करूँ तो ये भी, ये 276 राजेश्वरी नो 276 से कंसीव है। ये सब हिफर्स मतलब अभी 6 महीना 7 महीना 8वां महीना रनिंग करके है, ये भी एक मेरी अच्छी गौ माता है, ये भी केसरियो के लाखेण करके, ये भी बहुत है। और ये तोखार 175 से प्रेग्नेंट है। और ये मेरी सणगार एक जो हिफर है, अलग से लुक में, अलग कलर में और स्वभाव में भी अलग और एकदम शानदार, ये भी मेरा जो नंदी महाराज है राजेश्वरी 276 उनसे कंसीव है। फिर ये मेरी दो गौ माता आई थी मेरे साथ मेरे पास, तो ये बीना और बाबुल, तो आगे मैंने एक हिफर्स बताई वो, और ये भी अभी 8वां महीना ख़त्म होके 9वां महीना कंसीव है। और ये भी मेरे पास है गौ माता, ये लाखेण वोड़ से बिलिंग करती है, तो इसके बारे में बताऊँ तो ये लाखेण और वो उसकी मदर गुणवंती और वो जो चंद्रेश की बेटी थी गुणवंती करके गौ माता, जो हाई मिलकर रहा ही रही है, ये उसके होड़ से मतलब वहीं वंशावली से बिलोंग रखती है। अभी ये मेरी गौ माता है जो अभी यहाँ जो खड़ी है, जो ओल्ड पैटर्न की गौ माता जिसकी उम्र भी काफ़ी है, जो हमने अनसुया गौधाम में यहाँ एम्ब्रियो के लिए
जिसको लाए थे और पुराने नस्ल के बच्चे को बनाने के लिए, मतलब वही नस्ल को हमारे पास संभालने के लिए हमने जो एम्ब्रियो में काम किया था, तो ये सब वही गौ माता है। LEI 112 बालामती है, ये 223 डायरेक्ट सागवाड़ी फार्म की गौ माता है, 230 और ये भाड़वा स्टेट से रुचा है, तो काफ़ी नाम बनाई हुई गौ माता है रुचा। और इसके आगे की बात करूँ तो डायरेक्ट 196 है, जो गरेड़ियों की गोंडलियों की बेटी है। फिर हमारी ये दीपाली होड़ की बड़ी गौ माता है, ये मेरी गौ माता है दीपाली होड़ की बड़ी गौ माता दीपा। फिर ये हमारी, ये भी हमारे पास जो नंदी महाराज था 159 करके, ये उनसे कंसेव है, ये भी 8 महीना खत्म करके अभी 9वां महीना रनिंग है। ये अभी ओल्ड पैटर्न की, इसका एम्ब्रियो निकाला है हमने, फिर ये भी कंसीव हो गई है अभी। इसके आगे की बात करूँ तो छोटे मुंह वाली और एकदम छोटे कद में और मिल्क में भी बहुत अच्छी भगिनटी 9 नंबर की गौ माता है। फिर ये डायरेक्ट 207 जो मैं बात करूँ तो डायरेक्ट 207 207 ये भी हमारे पास है और ये भी 8वां महीना खत्म करके अभी 15-20 दिन में बच्चा देने वाली है। फिर ये 196 की ओड़ है जो डायरेक्ट अर्जुन की बेटी है, ये देखो आप, ये भी तोखार 175 से कंसीव है। फिर हमारे पास राजेश्वरी नो बोले उनसे कंसीव है गोदावरी ओड की, तो ये मैंने आपको गोदावरी की बेटी भी आगे बताई थी। और इसके आगे की बात करूँ तो 81 नंबर की हमारे पास हिफर है, 2.5 साल होते हुए भी 7.5 महीना कंसीव है। फिर हमारे पास जो भुवनेश्वरी का जो बुल था गड्ढो, उनसे कंसीव है ये हिफर हमारी 188, ये भी अभी फर्स्ट लैक्टेशन में ही है, ये कंसीव है फर्स्ट में। और यहाँ मेरी जो 3 गाय है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हो। ये जो सीतावड़ की जो गौ माता है मेरे पास, छोटी और बड़ी करके, तो ये सीतावड़ की बड़ी गौ माता है, ये भी राजेश्वरी नो 276 से प्रेग्नेंट है और इसकी एक बछड़ी है मेरे पास। और इसके आगे की बात करूँ तो मेरी ये जी 13 नंबर की जानकी गौ माता है, तो ये भी हमारे पास जो कोहिनूर बुल है उनसे कंसीव है। और ये मेरी 89 नंबर की विजया गौ माता है, तो इसकी बात करूँ तो ये जो मोहन बुल है मोहन से कंसीव है, ये भी 9 महीना खत्म करके अभी 8-10 दिन में बच्चा देने वाली है। तो ये मेरी प्रीमाइसी में अभी जो मेरी गौ माताओं का मैंने इंट्रोडक्शन दिया, वो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद।